लाइन बाग वाले, मतलब ये एक क्या किया जा रहा है देश में, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई बहाना करता, जो ऑर्डर है, जिसको अगर डिमोलिश सीलिंग का ऑर्डर है तो उस चीज को आप कीजिए, लेकिन बदले की भावना लेके, ये बदले की भावना सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि मुस्लिम जो है टारगेट बना दिए जाए और मुसलमानों को उसके सामने एक घंटे तक बुलडोजर आगे पीछे आगे पीछे, और बुलडोजर का आगे का हिस्सा इतनी बार पंजा उठता था, और जितनी बार पंजा उठता था उतनी बार चैनल के एंकर्स दहाड़ने लगते थे कि ये देखो बुलडोजर का पंजा उठ गया है और अब ये गिरने वाला है, और अंत में ये हुआ कि उस बल्ले को, खंभे को ऊपर से लोगों ने खोल कर गिरा दिया बुलडोजर, और बुलडोजर पर बैठे चालक महोदय वहीं बुलडोजर नचाते रहे, माहौल बनता रहा। आप अपने घर में अगर होंगे, टेलीविजन चैनलों पर अगर लगातार देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि पहुंचा बुलडोजर और धराशायी हुआ शाहीन बाग। लेकिन आप जो है मतलब आके स्केप होल्डिंग हटा रहे हैं, जो पेल्ट पोचारा करने के लिए स्केप होल्डिंग लगाया जाता है, आप नोटिस दीजिए उसका तरीका है, बिना तरीका का आप जो है आके इसी तरह से लेकर बुलडोजर लगा के और मेन मीडिया स्ट्रीम में आप चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर यहाँ आया क्यों? मैंने आपको पहले यही बात बोली कि पहले निशानदेही कर देते, निशानदेही तो इलेक्शन का इलेक्शन है, इसलिए भाई प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं है, कहाँ है तो उनकी बात है, आपका प्रधानमंत्री जी के पास जाएगी नहीं भैया। कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर, कोई इसका मैटर, कोई उसका मैटर, फर्जी, जिसका गोदी मीडिया का कोई काम ही नहीं है, बस गोदी मीडिया ये कर रही है भैया। शाहीन बाग में आज 9 दिन से कंटिन्यू न्यूज पे आ रहा है भैया, गोदी मीडिया का काम ये है भैया, रोज कंटिन्यू पे भैया शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। जरूरत चीज है, वो चीज को जो है लोगों को जो है मतलब समझ के चलिए कि जो है वो चीज से लोग जो है दूर हो जाए, वो अपनी रोजगार की बात ना करें, वो महंगाई की बात नहीं करें, लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है कि लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाए, एक कम्युनिटी को टारगेट करके दिखाया जा रहा है कि भाई हम शाहीन बाग में बुलडोजर चला। अरे भाई बुलडोजर जहाँ जहाँ भी गलत है, जहाँ भी आपके जो है क्या नाम है कि लोगों ने अवैध कब्जा किया है, यहाँ के लोग आपके साथ जाके और जहाँ जहाँ आप साफ कीजिए ना, सारे लोग आपके साथ है, कहाँ विरोध है। नमस्कार दोस्तों, तो आखिरकार MCD का बुलडोजर शाहीन बाग आ पहुंचा है, वही शाहीन बाग जहां CAA के खिलाफ महीनों तक प्रदर्शन हुआ था, सड़क पर सैकड़ों महिलाएं बैठी थी और लगातार मांग कर रही थी कि CAA देश में लागू न हो, वही शाहीन बाग जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा था बाबरपुर की रैली में इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे। शाहीन बाग को तो करंट लगा नहीं, सरकार BJP की बनी नहीं, केजरीवाल की सरकार बन गई, वापसी हो गई, BJP को झटका लगा, चुनाव में करंट लगा, लेकिन आज BJP सरकार में है, केंद्र की MCD BJP के कब्जे में है, और MCD का बुलडोजर उसी शाहीन बाग में आया है। माहौल ऐसे बनाया जा रहा था जैसे शाहीन बाग में हर घर हर मकान में इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, हर घर हर मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और यह गिराया जाएगा, और इसको बड़े ढोल नगाड़े के साथ कवरेज की पूरी तैयारी है। दर्जनों चैनल, दर्जनों एंकर्स, दर्जनों नामचीन चेहरे और कई OB वैन लगातार सुबह से लाइव कवरेज कि कैसे शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे नैरेट किया जा रहा है जैसे बुलडोजर चलना आज का सबसे बड़ा जश्न हो, आज की सबसे बड़ी कामयाबी हो, और बुलडोजर चल कहाँ रहा है इसको गौर से देखें। इस बीच कुछ लोग यहाँ जमा हो गए, थोड़ा पीछे हट जाइए, जमा हो गए। ये पीछे एक 3 मंजिला इमारत है, नीचे कोई दुकान है, ऊपर कुछ मकान जैसा है, और वहाँ बुलडोजर है, थोड़ा पीछे हटिए, वहाँ बुलडोजर है, और काफ़ी देर से कोशिश हो रही है इस इलाके में 200-300 मीटर में कि यहाँ बुलडोजर चलेगा, यहाँ तोड़ा जाएगा, यहाँ अवैध अतिक्रमण है। इस बीच काफ़ी लोग भी जमा हो गए, सैकड़ों लोग, और वो तमाम दुकानदार जिनकी दुकानें इस 500-800 मीटर के स्ट्रेच में है, लेकिन अभी फिलहाल बुलडोजर वहाँ है और उस मकान या दुकान के बाहर कुछ लोहे के खंभे लगे हैं, शायद वहाँ कुछ काम होना था या क्या था ये हम आगे लोगों से बात करेंगे, और वहाँ तैयारी हो रही है बुलडोजर चलाने की। उस बीच वहाँ जो ऊपर लोग हैं वो खुद वो लोहे के बल्ले को खोल रहे हैं, लेकिन लगातार सुबह से मीडिया पर कवरेज, कई चेहरों की यहाँ मौजूदगी जैसे बहुत बड़ी बात आज शाहीन बाग में होने वाली है। दिल्ली में जहाँ सैकड़ों कॉलोनियों में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, वहाँ बुलडोजर तो नहीं पहुँचा है, यहाँ तक कि दिल्ली BJP के अध्यक्ष उनके घर के बाहर भी
इंक्रोचमेंट है, ऐसी तस्वीरें जिस चैनल पर दिखी वो चैनल भी आज लगातार कवरेज कर रहा है कि शाहीन बाग में कैसे आज बुलडोजर उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा जो यहाँ किस तरह के लोग करते रहे, कहने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह का वो बयान काफ़ी है कि बादलपुर में बटन दबाना शाहीन बाग को करंट लगे, तो करंट लगाने के लिए बुलडोजर है। अब यहाँ कुछ लोग हैं, मैं एक एक करके दुकान वाले से बात करूँगा। पहले आप लोग यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने। तो ये जो पहले थोड़ा सा पीछे आ जाए, बाकी लोगों से बात आगे आइए, थोड़ा वो दिखाते हुए कि ये क्या है जो टूट रहा है, क्या है? सर ये जैसा कि आपने कहा कि बटन बादलपुर में दबे शाहीन बाग को करंट लगे, अब तक तो वो करंट लग नहीं पाया और पीछे एक किलोमीटर से ये जेसीबी आ रही है, इसे कोई इंक्रोचमेंट यहाँ मिला नहीं। अब ये एक इसका फोल्डिंग यहाँ लगी हुई दिखी थी, तो इसी को इन्होंने पंजा लगा के एक मुद्दा बनाया है, जिसको आप देख रहे होंगे सिर्फ वो एक रिप्लेसमेंट के लिए लगाई गई थी, उसे अपने ही लोग यहाँ उतार रहे हैं। ये देखने दीजिए तो सर, जिस तरह ये देखिए, ये हट रहा, हटिए, ये जो ये टूटा, एक मिनट ये रुकिए, आता हूँ दिखाते हुए। ये अब जैसे टूट कर गिरा है, जो उस इमारत के बाहर, उस इमारत के बाहर लोहे का फ्रेम था, अब उस फ्रेम का क्या मकसद था वो भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल टूट कर क्या गिरा है, वहाँ से खोल कर गिराया गया, बुलडोजर वहाँ रुका है, बुलडोजर वहाँ रुका है, और उस बुलडोजर पर कई चैनलों के एंकर्स लगातार बता रहे हैं कि कैसे यहाँ अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण सब टूटने वाला है। बहरहाल तो वो जो मामला है वो है क्या, वो लोहे के बल्ले लगे क्या थे? सर वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए लगाया गया था, वो एक जो शॉप है उसका बोर्ड बनना था उसके लिए लगाया गया था, जैसा कि अभी आपने देखा कि वो जेसीबी ने नहीं, कुछ लोग उतार रहे थे, वो एक्सपर्ट नहीं थे इसलिए इसको गिर गया है, सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। आप यहाँ से लेके एक किलोमीटर पीछे से जेसीबी आ रही है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं उसको मिला। यहाँ विधायक खुद मौजूद थे, अमानतुल्ला खान, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंक्रोचमेंट होगा तो जेसीबी पे मैं खुद उस पर पंजा चलाऊंगा और उस इंक्रोचमेंट को हटाऊंगा। इंक्रोचमेंट के लिए तो सर हम भी खिलाफ है। अब ये बताइए, जैसे ये दुकानें हैं, थोड़ा हटिए जरा, दुकान दिखाएं, यहाँ से वहाँ तक शोरूम से रेस्टोरेंट थे, तमाम तरह की जूते चप्पल कपड़े की रेडीमेड की दुकानें हैं, और इन दुकानों के पीछे कॉलोनी है, बस्ती है, जहाँ हजारों परिवार रहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि ज़्यादातर मुस्लिम परिवार रहते हैं, मुस्लिम बहुल आबादी है, और मुस्लिम बहुल आबादी में बुलडोजर के पहुंचने का खास मतलब भी है, खास मकसद भी है या नहीं ये समझते हैं। बहरहाल पहले ये बताइए, जो दुकानें हैं यहाँ से कतार में मैं देख रहा हूँ 800-900 मीटर तक, इसमें कितना इंक्रोचमेंट है, जरा ईमानदारी से बताइए कोई दुकान वाले, अगर इंक्रोचमेंट है या क्या है? जैसे सीढ़ी लगी है तो ये इंक्रोचमेंट है क्या है? नहीं सर इंक्रोचमेंट नहीं है, आप यहाँ कैमरा लगा के देख सकते हैं, आगे गवर्नमेंट की फुटपाथ बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट अपने जो उनके एमसीडी के पत्थर होते हैं उससे उन्होंने खुद बनाया हुआ है, उसके सब अंदर है, अगर उसके कोई बाहर है तो हम साथ में हैं और चल के हम उसको खुद डेमोलिशन कराएंगे। ईजी है, अगर जो है एमसीडी को इतना हंगामा कराने से अच्छा क्या था कि पहले निशानदेही करा देते कि ये चीज़ गलत है, इलीगल, आप हटा ले, तो उससे क्या होता कि ये सारी जो इतना अफरा तफरी हो रही है और जो मीडिया को मसाला मिल रहा है अननेसेसरी कि शाहीन बाग में जो बुलडोजर चल गया वो गलत है। अगर यही एमसीडी पहले आके निशानदेही कर देती कि सर ये चीज़ है आप हटा लो, ये चीज़ है आके बोल देते कि आगे हटा लो, और इनकी भी गलती है, इनको पहले अगर जो बताते जो हटा देते तो वो आज इतना बड़ा मसाला नहीं मिलता किसी को। सर तो बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट टूटा है, 20-25 लोहे के बल्ले लगे हुए थे, लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनको एक मसाला मिल गया अभी कि जो बहुत बड़ा जो था यहाँ पे ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें। अगर सिंपल सी बात है, बड़ा क्लियर है, अगर आपको इतनी थी परेशानी कहीं भी हो, यहाँ शाहीन बाग की बात नहीं, कहीं भी हो, अगर एमसीडी पहले आके बता देती कि सर ये चीज़ आपकी गलत है, नोटिस दे देती, अगर उसके बाद वो नहीं हटाते तो आके करते। लेकिन ये एमसीडी के अधिकारी कहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन पर अगर आपने अवैध निर्माण किया वो तोड़ने के लिए नोटिस की उनको ज़रूरत नहीं है, अगर अवैध निर्माण कर लिया या ठेले खोमचे या जो भी एक्सटेंशन कर लिया। ये तो अगर वो जान रहे हैं पहले से तो होने क्यों दिया, होने क्यों दिया, ये भी सवाल है। जहाँ 10 साल 5 साल 15 साल से अगर कुछ थोड़ा बहुत या ज्यादा अतिक्रमण हुआ तो हुआ कैसे, हफ्ता वसूली, पैसा जाना एमसीडी से लेकर पुलिस की उसमें भागीदारी ये रहती है, लेकिन ये उससे ज्यादा अभी अहम सवाल है कि बुलडोजर यहीं क्यों आया और बुलडोजर क्या क्या गिराने वाला है। ये बहुत सारे पुलिस वालों की मौजूदगी है और सुबह से सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, और ऐसे जहाँगीर
शेरपुरी में हुआ था जब 1500 पुलिस वाले वहाँ पहुंचे थे। देखा बुलडोजर ने कुछ गिराया लेकिन एक मसाला मिल गया। अभी पूरे मीडिया चैनल पे जो मेन मीडिया उस पर चले गए शाहीन बाग में बुलडोजर चल गया। हम लोग इंक्रोचमेंट हटे यहाँ से, हम लोग खुद से चाहते हैं कि सब पब्लिक साथ रहे, इंक्रोचमेंट हटे यहाँ पर से जो इंक्रोचमेंट है। ये जो दिखा रहे हैं पूरा देश में दिखा रहे हैं, ये गलत दिखा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं और दिखा रहे हैं पूरा मैंने क्या कर दिया इसके अंदर। इंक्रोचमेंट आप लोग चाहते हैं हटे तो फिर यहाँ पहले विरोध क्यों हो रहा था? कुछ महिलाएं सुना कोई विरोध नहीं हो रहा था। मैं देर से आया, मुझे चैनल से पता चला कि बहुत महिलाएं लोग विरोध कर रहे हैं, कोई बुलडोजर पे बैठ गया। एक दो लोग रहे होंगे, कुछ नहीं, नेता पिता रहे होंगे, अदरवाइज पब्लिक खुद चाहती है। कहा बुलडोजर पे कुछ लोग बैठ गए। हाँ सर, वो यहाँ के लोग नहीं थे, हमने उसका विरोध भी किया कि इन लोगों को उतारिए बुलडोजर पे से। हम लोग देखिए आप पूरा शाहीन बाग पूरे अंदर इलाके के लोग कितने शांति से खड़े में है, शांति से खड़े में। लेकिन कुछ चैनल सर, कुछ बिकाऊ चैनल जो कि यहाँ शुरू में सुबह में आन के उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया था और सारा उन्होंने इसी से एंगल से फोटोग्राफी करी है कि ये सब डेमोलिशन किया जाएगा, ये इलीगल है, वो है। और उन्हीं के साथ कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ के हुड़दंग करा है जेसीबी। ये कहना थोड़ी नाइंसाफी होगी कि मीडिया वालों के साथ आए थे लोग वो जेसीबी पर चढ़ गए, वो कहना नाइंसाफी होगी। बहुत सारी महिलाएं भी शायद विरोध कर रही थी जिन्हें पुलिस अपने बस में भर कर ले गई। देखिए हर इलाके में कुछ ना कुछ दो चार लोग नेता होते हैं जो अपने आप को उनको चमकाना होता है, वो कुछ नेता लोग थे जो आए अपना चले गए। हालांकि इलाके के विधायक भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट है तो मैं साथ चलता हूँ खुद। ये बताओ आपका क्या नाम है? अब्बास। इंक्रोचमेंट यहाँ, जैसे अब मैं ये तो दुकान देख रहा हूँ, ऊपर ये दुकान है, पेपे जींस का शोरूम है, यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है, और ये जो यहाँ छज्जा है जहाँ तक इस दुकान के ऊपर 3 या 4 फ्लोर जो भी बना है, ये मेरी सीध में, हटिए थोड़ा, ये मेरी सीध में यहाँ तक इनकी सीढ़ी है। तो पहले ये समझना होगा कि क्या ये 3 फ्लोर की पूरी दुकान, ये पूरी दुकान जो यहाँ बनी है जो कई 100 मीटर तक है, क्या ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, अवैध है, इल्लीगल है, या इसको गिराया जाना है? और अगर नहीं, एक मिनट, अगर नहीं है तो फिर इस दुकान के नीचे सीढ़ी जो दिख रही है जहाँ मैं 100 मीटर तक गया, ये सीढ़ियाँ दुकान के उस छज्जे जहाँ तक इमारत है उसके भीतर है। तो ये समझना चाहता हूँ, आप लोग समझाइए। कुछ देर पहले तक कुछ चीज़ें यहाँ से हटी भी, जो एक्सटेंशन था कुछ ऐसा, हाँ एक्सटेंशन तो कुछ नहीं हटाया, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था जिसको हटाया गया। दूसरी बात, जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है, एमसीडी ने किसी भी कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी को नोटिफिकेशन दिया है कि दिस इज अनऑथराइज, दिस इज इलीगल, और इसको अनऑथराइज है कि नहीं सर? बिल्डिंग ये तो एमसीडी बताएगी ना, अगर ये बना भी है अनऑथराइज है तो सरकार का एक प्रोसीड्योर है, उसको कैसे उसको लीगल इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद से जो भी काम होगा वो करेगा उसको सरकार, अगर इलीगल है तो उसको गिरा दे। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो ये दुकानें बनी हैं 3-3, 4-4 फ्लोर की, और इसमें ब्रांडेड कपड़ों के पीछे शायद फैब इंडिया भी दिख रहा है, पेपे सारे ब्रांड है, सारे ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट के शोरूम है, और मैं दसियों साल से मैं देख रहा हूँ, क्या ये अवैध निर्माण है या इसका कुछ हिस्सा एक्सटेंशन अवैध निर्माण है? क्या है? नहीं है, वो तो सरकार उसको कार्रवाई करेगी, पेपर वर्क चेक करेगी, अगर इलीगल होगा तो उसके बाद अपना कार्रवाई करेगी। इलीगल अगर होगा तो पेपर के इसमें पता चलेगा कि वो इलीगल है कि नहीं। सिटी क्या कर रही थी, उसको बताना चाहिए ना कि भाई ये आपका नोटिफिकेशन है। आप क्या करते हो? मैं तो साहब मेरा जनरेटर का बिजनेस। तो पीछे हटिए जरा, पीछे की तस्वीर भी देखते रहना चाहिए। अभी तक एक ही एनक्रोचमेंट के नाम पर वो 25-30 जो लोहे के खंभे थे जिसको शायद यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ रिपेयर वर्क के लिए बिल्डिंग के सामने फ्रेम बनाया गया था जैसे प्लास्टर या पेंट के लिए होता है, उसको खोलकर गिराया गया। लेकिन उसके पहले ऐसा माहौल था जिसको देखकर मैं घर से तेजी से पहुंचा कि पता नहीं कितनी इमारतें गिरने वाली है। बुलडोजर पर एंकर्स भी थे और ऐसे जैसे यहाँ की इमारतों को अवैध निर्माण का ऐसा अड्डा है जहाँ बुलडोजर चलने वाला। बहरहाल ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हो ना जी? तो एक तो ये गिरा और कहाँ कहाँ बुलडोजर चलने वाला है? फिलहाल तो उन्होंने वहाँ से लेकर यहाँ तक यही एक पहाड़ टाइप का बना हुआ था, यही निकाला है, और जो स्ट्रक्चर नहीं था ये तो उस टाइम बोर्ड, वो एक्चुअली स्कैफोल्डिंग है जो किसी भी बोर्ड लगाने के लिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए लगाई जाती है। वो कोई इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं था, वो कोई इस बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। स्कैफोल्डिंग आपने देखा होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, टेंपरेरी एक स्ट्रक्चर था वो सिर्फ टाइम, कहीं भी ऐसा स्कैफोल्डिंग बनता है वो बाहर ही बनता है। यहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं और ये लोग विरोध कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ये आपके पीछे ये कोई एंकर है मैडम, ये यही न्यूज बता रही है कि यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ने नहीं दिया। नहीं, अब उनको के सामने नहीं, उनको क्या बोल रही है? एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट सुनिए, छोड़िए, वो क्या बोल रही है उनको छोड़िए।
अरे उनको छोड़िए, आप अपनी बात करिए। यहाँ पर जो है आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई भी बिजनेस करते हैं। यहाँ पर दुकानें सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई बिजनेस करते हैं। उनकी या तो अपनी दुकान है या किराए पर ले रखी है उन्होंने। ये ज्यादातर दुकानें उनकी है जो ब्रांडेड आउटलेट है, ज्यादातर हमारे हिंदू भाइयों के हैं, कंपनियों के हैं, और वो या तो उन्होंने किराए पे ले रखी है या उनके अपनी बिल्डिंग भी है। यहाँ पर आधे से ज्यादा बिल्डिंग है। अच्छा, ये बताओ आपका नाम, अपने इतने मोहब्बत से प्यार से रहते हैं, आपका नाम बताओ। मेरा नाम अशफाक अहमद। अशफाक, ये बताओ कि अगर ये जो बिल्डिंग या बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा या सीढ़ियाँ या एक्सटेंशन या छज्जे, अगर ये अवैध निर्माण नहीं है तो बुलडोजर से यहाँ डरे हुए क्यों लोग हैं? कोई भी डरा हुआ नहीं है। जो वहाँ से लेके इन्होंने वहाँ नाले से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही पार देगी। अगर कोई एमसीडी का कोई देखिए, जो गलत है उसके हम लोग फेवर में है। जो गलत है उसे आप लगा लिए, जैसे जो ठेली है, पटरी है, जो भी लगी हुई है वो गलत है। ये RTI से क्लियर करवाया हुआ है हम लोगों ने। मैं मार्केट एसोसिएशन से ही हूँ। अच्छा, इधर जो हमने रोड नपवा के RTI को उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उनसे पूछा गया था भाई इसमें कोई अनऑथराइज एनक्रोचमेंट वाला हिस्सा तो नहीं है, तो उन्होंने हमें पूरी क्लियरेंस लेटर है हम लोगों के पास। तो बुलडोजर यहाँ क्यों पहुँचा है हमें कारण नहीं पता। आपके मीडिया के थ्रू हमें पता लगा कि बुलडोजर इधर आ रहा है। तो 5 दिन 7 दिन से अखबार छप रहा है, मैं छप रही थी एक मिनट, और अलग अलग इलाकों का पूरा फॉरवर्ड प्लान आया हुआ था कि किस तारीख को कहाँ बुलडोजर मीडिया है ना वो या आपका मीडिया की तरफ से कहा गया था किस किस डेट को कहाँ। एमसीडी ने जब वोट लेनी होती है तो एक एक के घर में इलेक्शन कार्ड दिया जाता है, एक एक के घर में पर्ची पहुंचाई जाती है, तो अब एक एक घर के नोटिस भी दे देते ना कि हमें पता लग जाता कि हमारी कहाँ इंक्रोचमेंट है। हमारी इंक्रोचमेंट होती तो हम अपने अपने तरीके से उसको तोड़ लेते। अवैध कहाँ है, कौन सा हमारा पार्ट जो है अवैध है, ये तो बताना चाहिए ना। बिना नोटिस का, बिना इंफॉर्मेशन का केवल मीडिया में ये चीज चलाया जा रहा है। शाहीनबाग, एक शाहीनबाग को पूरे देश में बदनाम कर टारगेट करने का। अभी 2 दिन पहले एक चैनल वाले आके यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं बांग्लादेशी रह रहे, क्या मतलब है भाई शाहीनबाग में? ये चैनल वाले का प्रूफ गिल्टा का केवल इन लोगों का प्रूफ है। कोई भी अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो आपके भाई एयर से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, आप हिंदुस्तान का गवर्नमेंट जो है क्या कर रहा है कि भाई अवैध आदमी हिंदुस्तान में आ जा रहा है? एक मिनट जरा, इनके इनके एक एक इलीगल होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट पहले नोटिस देती है, आगे वार्निंग देती है। किसी तरह का किसी भी शॉपकीपर या किसी भी बिल्डिंग वाले को किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। हम मीडिया के थ्रू लोग सुन रहे हैं कि बुलडोजर क्यों आया शाहीन बाग में, क्या लगता है आपको? ये सर, ये तो आप मीडिया वाले बता सकते हैं कि किस एजेंडे के थ्रू चल रहा है ये सब कुछ। यहाँ पे बाकी मीडिया वाले जो है वो कुछ और ही चला रहे हैं। तो ये तो कोई उनके पास लीगल कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। आप तो जो है वो शाहीन बाग के सिर्फ नाम पे चल रहा है, और पूरे दिल्ली में अगर बुलडोजर हर जगह आ रहा है लेकिन नाम सबसे पहले शाहीन बाग का आ रहा है, ये समझ से बाहर हो रहा है। बुलडोजर आपको चलाना है, पहले आप स्पेसिफिकेशन कीजिए, जो भी दुकानदार भाई हैं उनको नोटिस दीजिए, बताइए कि भाई ये चीज आप बाहर बनाए हैं, ये चीज कब तक है। तो बुलडोजर यहाँ आया क्यों? मैंने आपको पहले यही बात बोली कि पहले निशानदेही कर देते। अब आया देखो सर, ये तो इलेक्शन स्टंट है, ये अभी एमसीडी का इलेक्शन है, इसलिए सारा मीटर से 100 मीटर दूर से आप भी आ रहे हैं। यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं मिला और जेसीबी लगातार कुछ नहीं मिला उसको आन के सिर्फ इसका फोल्डिंग को एक मुद्दा बनाया। सर, सिर्फ देश के मेन मुद्दों से भटकाना है, कोई न्यूज मीडिया के थ्रू इस गवर्नमेंट को चलानी है। आप देखिए, पूरे 100 मीटर से यहाँ तक कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला। एक इसका फोल्डिंग जो कि टेम्परेरी लगी हुई होती है, कोई भी उसे उठा के रख देगा, सिर्फ उसको गिरा के बिल्डोजर से ये दिखाया गया है कि शाहीन बाग में बिल्डोजर चला दिया गया है। तो बुलडोजर यहाँ आया क्यों? आपकी भी दुकान है कहीं? यहाँ 100 दुकान है, कोई बुलडोजर अगर होता है आइडेंटिफाई करते किसी को करते, कोई को नहीं, कुछ नहीं मिला यहाँ, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे देखेंगे मोस्टली 80% नॉन मुस्लिम की दुकान है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सब मिलके रहते हैं यहाँ पे, लेकिन एक हाइप बनाना है शाहीन बाग को, हाइप बनाना है और कुछ नहीं। और 20 दिन से मीडिया में केवल शाहीन बाग चलाया जा रहा है, और मूलभूत मुद्दे नहीं है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में 50 रुपये गैस पे बढ़ गया, ये मुद्दा नहीं है। शाहीन बाग में बुलडोजर जा रहा है, उसके लिए जो है स्पेसिफिकेशन करके एक नोटिस। अरे भाई, आप जितनी जो भी दुकानदार हैं उनको बताओ कि आपने कहाँ अवैध कब्जा कर रखा है, निशानदेही लगाओ। एस्केप फोल्डिंग निकाल रहे हो, पूरे मीडिया पे चला रहे हो एस्केप फोल्डिंग, लोग पेंट पोचारा करने के लिए एस्केप फोल्डिंग लगाते हैं, और आप 20 दिन से चलाए जा रहे हो शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। 1400 कॉलोनी है पूरे दिल्ली में,
हैं, सबको नोटिस दीजिए, आप हटाइए जहां अवैध लोगों ने किया है, सड़क जाम किया है, लोग आपके साथ है शाहीनबाग के, कोई आपका विरोध में नहीं है, सारे शाहीनबाग के लोग खुद हटा रहे हैं, जहां भी है आप बताइए, आप निशानदेही कीजिए। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप एक समुदाय को एक टारगेट करके परेशान करने का काम जो आप कर रहे हैं, पूरे देश में मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान हिंदुस्तान के ही हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आके कम्युनिटी को टारगेट करके और बिना इंफॉर्मेशन बिना नोटिस, यहाँ 90% हिंदू भाई हमारे दुकान करते हैं, है? आप बताइए कि आपने कहाँ किया, लोग हटा लेंगे, आप निशान लगाइए, तोड़िए, लाके स्केप होल्डिंग हटा रहे हैं, और पूरा मतलब देश में कोई भी जो मूलभूत मुद्दा है उससे हट के देश में पूरा चलाया जा रहा है, शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, क्या मतलब है भाई साहब, है? आप जैसे लोग कम से कम है कि जो सच्चाई अजीत अंजुम जी लोग हैं कि जो सच्चाई आप लोग निकालते हैं, आप लोग जैसा आदमी है। ये बताओ क्या नाम है आपका? सईद सिद्दीकी मेरा नाम है। सईद साहब ये बताओ, जैसे एमसीडी तो कह रही है कि ये तो ऐसे अभी आज शायद चौथा या पांचवा दिन है, 13 तारीख तक चलना है, 8-10 ऐसी कॉलोनी का पहले नाम आ चुका है कि इन सब जगह बुलडोजर चलेगा, तो फिर शाहीन बाग में क्यों एतराज? सर एतराज कहाँ है आप बताइए तो सही, जहाँ भी अतिक्रमण है आप नोटिस दीजिए, आप निशान लगा दीजिए, आप बता दीजिए कि कहाँ भाई किन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा है, बना रखा है, यहाँ के लोग आपके साथ रहें, आपके यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि कहीं उस चीज़ के लिए विरोध करेंगे, आप जाके देखिए जो चौड़े रोड पे जहाँ भी अतिक्रमण है, लेकिन जानबूझ के सर दुकान छोड़ के 100 दुकान छोड़ के आगे एक को देखें, यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ किया है? कुछ है ही नहीं। मेरा नाम जी, मैं यहाँ पे रहता हूँ, शाहीनबाग में रहता हूँ, नोटिस मिला था जी, कहीं कोई नोटिस नहीं है, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल एक मीडिया में चलाया जा रहा है कि शाहीनबाग में 9 तारीख को बुलडोजर चलेगा, अब शाहीनबाग वाले मतलब ये क्या किया जा रहा है देश में, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताओ सईद साहब, बुलडोजर तो जितनी देर से 2 घंटे से माहौल है, अभी बज रहा है 11 बजे से बुलडोजर का चलने का वक्त मुकर्रर था, और 8 बजे सुबह से चैनलों के कई चेहरे, दर्जनों एंकर रिपोर्टर ओवी वैन के साथ यहाँ थे कि 11 बजे चलेगा शाहीन बाग में बुलडोजर, दर्जनों 500 पुलिस वाले सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ होंगे मौजूद, लेकिन अभी तक बुलडोजर से चलने से कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो क्यों नहीं हुआ सर? आप 11 घंटे से और 2 घंटे से आप कह रहे हैं, ये 20 दिन से शाहीन बाग पूरे जो हमारा मेन मीडिया है 20 दिन से इस चीज को दिखा रहा है, आज मेन मीडिया पे पूरा चल रहा है। आज जो है मीडिया का जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आम आदमी का जो बेसिक नीड है, जो जरूरत चीज है, वो चीज को जो है लोगों को जो है मतलब समझ के चलिए कि जो है वो चीज से लोग जो है दूर हो जाए, वो अपनी रोजगार की बात ना करें, वो महंगाई की बात नहीं करें, लोगों को उलझाने का काम किया जा रहा है कि लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाए, एक कम्युनिटी को टारगेट करके दिखाया जा रहा है कि भाई हम शाहीन बाग में बुलडोजर चला, अरे भाई बुलडोजर जहाँ जहाँ भी गलत है, जहाँ भी आपके जो है क्या नाम है कि लोगों ने अवैध कब्जा किया है, यहाँ के लोग आपके साथ जाके, और जहाँ जहाँ आप साफ कीजिए ना, सारे लोग आपके साथ है, कहाँ विरोध है, है? लेकिन आप जो है मतलब आके स्केप होल्डिंग हटा रहे हैं, जो पेल्ट पोचारा करने के लिए स्केप होल्डिंग लगाया जाता है, आप नोटिस दीजिए, उसका तरीका है, बिना तरीका का आप जो है आके इसी तरह से लीगर बुलडोजर लगा के और मेन मीडिया स्ट्रीम में आप चलाए जा रहे हैं, है? कि शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, शाहीन बाग ने क्या कर दिया भाई? जिस स्केप होल्डिंग की ये बात कर रहे हैं, हटिए जरा पीछे दिखाए, वो बिल्डिंग है 3 मंजिला, नीचे कोई दुकान है शायद कपड़े की, शोरूम है, ऊपर शायद घर है, उसके बाहर लोहे के बल्ले, उस बल्ले से एक फ्रेम बनाकर स्केप होल्डिंग बनाया हुआ था, हो सकता है कुछ मकसद हो, काम हो, प्लास्टर हो, जो भी हो, क्योंकि आमतौर पर किसी मकान को के बाहर से अगर कुछ प्लास्टर पेंटिंग कुछ भी करना होता है तो ऐसा स्केप होल्डिंग बनता है, उसके सामने 1 घंटे तक बुलडोजर आगे पीछे, और बुलडोजर का आगे का हिस्सा इतनी बार पंजा उठता था, और जितनी बार पंजा उठता था उतनी बार चैनल के एंकर्स दहाड़ने लगते थे कि ये देखो बुलडोजर का पंजा उठ गया है और अब ये गिरने वाला है, और अंत में ये हुआ कि उस बल्ले को खंभे को ऊपर से लोगों ने खोल कर गिरा दिया बुलडोजर, और बुलडोजर पर बैठे चालक महोदय वहीं बुलडोजर नचाते रहे, माहौल बनता रहा, आप अपने घर में अगर होंगे, टेलीविजन चैनलों पर अगर लगातार देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि पहुंचा बुलडोजर और धराशायी हुआ शाहीन बाग, लेकिन अभी तक शाहीन बाग में। और यहाँ के डीसी, और एक बात और कहूंगा, इन लोगों की तारीफ करते हुए, ये स्थानीय लोग हैं, इनमें कुछ की दुकान है, कुछ पीछे बस्ती में रहते, हर शख्स कह रहा है कि अगर यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, तो हटाइए, अगर
लगता है कि कई सालों से है, नोटिस दीजिए। दुकान मकान है, नोटिस दीजिए और हटाइए, और उसके लिए उनको नोटिस देकर बता दीजिए कि तुम्हारा ये हिस्सा इल्लीगल है, उसको भी अपना पक्ष रखने का हक है। लेकिन यहाँ के डीसी, एक सेकंड सर, यहाँ के डीसी जो है कोर्ट का पांच बार ये कैमरा लगा दिए, यहाँ के डीसी का 5 बार डिमोलिश सीलिंग का ऑर्डर होता है, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कभी कोई बहाना करता है, जो ऑर्डर है, जिसको अगर डिमोलिश सीलिंग का ऑर्डर है तो उस चीज को आप कीजिए, लेकिन बदले की भावना लेके, ये बदले की भावना सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि मुस्लिम जो है टारगेट बना दिए जाए और मुसलमानों को परेशान किया जाए। ये बताइए, ये जो है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये तो इसी का 5 ऑर्डर है, दिसंबर 12 का है ये। अरे 12 उसके बाद 5 ऑर्डर और रखा है, 5 ऑर्डर और रखा है, 2012 का है ये। हाँ, 2012 से शुरू हुआ, तो अब इसमें 5 ऑर्डर एमसीडीडीसी ने किया है। 2012 से अभी 22 हो गया, 10 साल हो गया। हाँ, लेकिन कहाँ का इंक्रोचमेंट है ये? जौहरी फार्म गली नंबर 1 जामिया कॉलेज के जस्ट पीछे, नहीं हटा अभी तक, नहीं हटा। सिर्फ बहाना, कभी कोई बहाना किया, मैंने आरटीआई मांगी तो उसने कहा कि भैया पुलिस नहीं है, तो कभी मुहर्रम का त्यौहार है, कभी कोई त्यौहार है, सिर्फ बहाना बता रहे हैं। इसका 5 ऑर्डर बोलिएगा तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा। अब ये ऑर्डर बता रहे, मैं इसकी सत्यता नहीं जानता हूँ कि उसके बाद स्टेटस क्या है। अरे ये है, अरे 2012 का है, 22 के बीच में क्या हुआ नहीं जानता, ऑर्डर दे लगाइए, बुला लीजिए, क्या कर रहा है वो एमसीडी? उरूज अहमद नाम है मेरा, खैर से रहो। एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को ये चिट्ठी लिखी गई 12 दिसंबर 2012 को, और ये लिखी गई है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन की तरफ से, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है एडिक्वेट पुलिस फोर्स फॉर डीलिंग एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस नूर नगर एक्सटेंशन जामिया नगर दिल्ली। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10 साल से, ये 10 साल पहले से, और कई बार ऐसा नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वो इंक्रोचमेंट नहीं हटा, लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर आया है पूरे धूम धड़ाके और ऐलान के साथ, और उस ऐलान के साथ पुलिस उस समय कहाँ थी जब कंटिन्यू, उस समय पुलिस मुहर्रम का त्यौहार बना रही है, जुमा का दिन बना रही है, उस समय पुलिस कहाँ है? ऐसी एक मुस्लिम कौम को टारगेट करने के लिए काम किया जा रहा है, और कोई ऑर्डर नहीं सिर्फ। और अगर इस पर अगर यही करना था तो इस पे 5 ऑर्डर हुए हैं कोर्ट के, इसके एमसीडीडीसी के ऑर्डर के बावजूद पुलिस से नहीं मिली। क्यों नहीं पुलिस मिली? वो वाजिब सवाल है, सिर्फ बहाना है। अब समझ गए आपकी बात। हाँ भाई साहब, तो ये बताइए, वैसे ये भी मानना पड़ेगा कि दिल्ली में वैसे तो आंकड़े में देखेंगे तो हजार से 1400 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, कॉलोनी की कॉलोनी अवैध है। हालांकि मैं बीच में फिर से एक बार बता दूं कि आज तक चैनल का नाम लेते हुए कि आज तक पर एक स्टोरी मैंने देखी थी, शायद रिपोर्टर का नाम कुणाल था, कि आदेश गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर के बाहर उनकी सीढ़ियाँ, आगे का एक्सटेंशन, गाड़ी चढ़ाने का जो हिस्सा था, वो उनके घर से बाहर था, मतलब वो भी एनक्रोचमेंट था। ये आज तक की खबर। और ऐसी ऐसे हजारों मकान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, बड़े इलाकों में हैं। सर, वहाँ के जो मेयर थे उनके घर के आगे भी रिपोर्टिंग हुआ था, जिनके घर के आगे जो है सीढ़ी बना रखा था, उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा था, मीडिया ने ही दिखाया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज तरीके से किया जा सकता है, लेकिन गलत है। आप जो है, नहीं वो जो भी ने अतिक्रमण किया, आप नोटिस दीजिए, निशान लगाइए, आप हटा दीजिए, कोई आपके ये चीज का शिकवा शिकायत किसी को नहीं। लेकिन आप केवल एक बुलडोजर लाके मेन स्क्रीन में चैनल में बैठ के इतने बड़े बड़े पत्रकार कूद रहे हैं यहाँ पे शाहीन बाग में बुलडोजर, और 20 दिन से मैं देख रहा हूँ, आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा है, आम आदमी परेशान है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, केवल कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा। और उसका उसका जो है एक बनाया गया 9 तारीख को शाहीन बाग में चलेगा, और इसके लिए 20 दिन से मीडिया में बता रहे। भाई आप जो है, आप वहाँ जो जो लोग इनलीगल है, जो कब्जा किए, उनको जो है उनके यहाँ नोटिस भेज दो, लेकिन मीडिया में प्रोपगेंडा करने की क्या जरूरत है? दुकान चलाने की क्या जरूरत है मीडिया में? है आप जो है, आप आम आदमी की कौन बात करते हैं मीडिया में? आपकी जिम्मेदारी है, आप लोकतंत्र के, आप नारा लग रहा है, नारेबाजी कुछ हो रही है शायद, हाँ कुछ स्थानीय लड़के, कुछ नारेबाजी हो रही है, कोई होंगे वहाँ के स्थानीय
एमएलए वगैरह सारे। चलिए तो ये लेकिन इस इलाके पे इलीगल एनक्रोचमेंट है या नहीं है, होगा ना? मौत जो इलीगल है उसको प्रॉपर नोटिस देके प्रॉपर चैनल से उसको नोटिस दे करके जो लीगल कार्रवाई उसे करें, उससे किसी को एतराज नहीं है। जो इलीगल है, जो ये सही बात कहा भाई साहब ने कि 10-15 दिन से ये तमाशा खड़ा कर रखा है। क्या हो रहा ये विधायक है, विधायक ये यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अमानुल्लाह खान, वो बुलडोजर आने की खबर पाकर वो आ गए थे इलाके में और उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और कैमरे पर चैनलों को बोला कि मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ किस किस मकान में इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, लिस्ट दिखाएं, उसकी पैमाइश हो और मैं तोड़वाऊँगा बुलडोजर से, मुझे बताया जाए। शायद बताया गया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जा रहे हैं, जाहिर है उनके साथ जो उनके समर्थक हैं नारे लगा रहे हैं। तो ये आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो दुकान है आपकी? अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों आया यहाँ बुलडोजर? बुलडोजर वही आया है कि जो भाई साहब बीच में ही सेल्फी लोगे अभी रिकॉर्डिंग के बीच में, जो इल्लीगल किए हुए हैं उनको तोड़ने के, जो इल्लीगल कब्जा किए हुए हैं उनको तोड़ने। तो कब्जा है ना बहुत? अब नहीं बता सकते, ये तो आप पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा कि कब्जा है कि नहीं। तो ऐसे अंदाज से नहीं, आपको अब पता है कि जब तोड़ने ये कहना सर, अगर अनऑथराइज कब्जा है नोटिस एमसीडी भेजे, उसके बाद बकायदा व्यवस्था करके अपना आए तोड़े, गलत तो गलत है, इसके लिए हम लोग सब साथ हैं, लेकिन हवाबाजी करने के लिए, एक कौम को टारगेट करने के लिए ये सही नहीं है। ये क्यों आप कह रहे हो कि कौम को टारगेट करने के लिए? सर ये टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया, अगर यहाँ गिरेगा मैंने पेपर तो दिखा दिया आपको। सुन लो, आप ही लोगों में कई लोगों ने कहा कि एक मिनट नहीं नहीं मैं एक मिनट रुकिए, ऐसे भी क्यों मत करिए। यही बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे हिंदुओं के भी मकान है, दुकान है, वो तो शो एंकर शो कर रहे हैं सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, अपना टीवी चैनल चलाने के लिए कि हमारा टीवी चैनल चले, हिंदू मुस्लिम का नाम आता रहे। कभी आज तक किसी ने पूछा कि भारत देश कितना बेरोजगार हो गया है, इसको कभी किसी ने दिखाया? वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है, उनको खरीदा जा चुका है। कितने लोग को पेट भर रहा है वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका पैसा जा रहा है। कितने लोग बेरोजगार है ये दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा क्योंकि उनका पैसा जा रहा है। ये सब जो कुछ भी है ध्यान भटकाने के लिए कि लोग मांगे, लोग पूछे कि अरे भाई प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं है कहाँ है, तो उनकी बात है, आपका प्रधानमंत्री जी के पास जाएगी नहीं भैया? कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर, कोई इसका मैटर, कोई उसका मैटर, फर्जी, जिसका गोदी मीडिया का कोई काम ही नहीं है, बस गोदी मीडिया ये कर रही है। भैया शाहीन बाग में आज 9 दिन से कंटिन्यू न्यूज पे आ रहा है, भैया गोदी मीडिया का काम ये है भैया, रोज कंटिन्यू पे, भैया शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। 1556 कॉलोनिया रेगुलाइज हैं, पहले 895 कॉलोनिया रेगुलाइज हुई, उसके बाद 1556 कॉलोनिया रेगुलाइज हुई। 1556 कॉलोनियों को क्या नाम वहाँ अनऑथराइज काम नहीं हुआ है? कोई अनऑथराइज वहाँ नहीं दी। शाहीन बाग को खास तौर से टारगेट बना के इसको दिखाया जा रहा है कि भैया शाहीन बाग में ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर शाहीन बाग में अवैध निर्माण हुआ तो क्यों नहीं टूटना चाहिए भाई? टूटे, लेकिन वो तर्क तो नहीं दे सकते कि वहाँ नहीं टूटा इसलिए? अरे भाई साहब तर्क तो मैंने आपको बकायदा दे दिया कि 5 एमसीडी डीसी का ऑर्डर कि भैया ये डिमोलिश सीलिंग किया जाए। एडिशनल कमिश्नर उस समय अजय चौधरी हुआ करते थे यहाँ पे, तो अजय चौधरी ने कहा कि भाई हमारे पास फोर्स नहीं, मुहर्रम का त्यौहार है। फिर दोबारा ऑर्डर किया गया, भैया जुमा का दिन है, फिर ऑर्डर किया गया, तो कोई ना कोई बहाना करके 5 ही टारगेट। क्या नाम है आपका? ओरूज अहमद। क्या करते हो जी? करोल बाग में ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ हमारा घर है। अच्छा घर है, ओके। आज मंडे का दिन है, हमारी छुट्टी है, करोल बाग आज बंद है। अच्छा ओके, हाँ आज हमारी छुट्टी है और हम यही रहते हैं। अबुल फजल, अबुल फजल में ही रहते हैं, अबुल फजल में ही रहता हूँ सर। पब्लिक से बात करना सर, अबुल फजल में यही का रहने वाला हूँ, इधर का नहीं रहने वाला, यहाँ हमारी शॉप भी है। लेकिन एक बात बताए, गलत तो गलत है, खैर अगर अगर एमसीडी का अगर है ऐसा कोई चीज, उनके यहाँ बकायदा नोटिस भेजे, डिमालिश करे, गलत तो गलत है, लेकिन फर्जी तौर पे किसी चीज को परेशान करना, सर आज का पूरा दिन
ये शाहीन बाग के जितने बेरोजगार है जो 2 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 दिहाड़ी कमाने वाले थे, आज सबकी दिहाड़ी खत्म हो गई। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? 500 रुपया की कमाने वालों को आज जिम्मेदारी कौन लेगा? 500 रुपया कहाँ से आएगा? लोग आज कैसे खा के सोएंगे, कैसे क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी ले कि भैया ऐसे भयंकर चलेगा, ऐसे ये चलेगा, पूरी बंद हो गई। बताइए, मार्केट ही पूरी बंद है, पूरी मार्केट बंद है ना सर, आपको दिख रहा है ना। तो अब इसके लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के दिहाड़ी मजदूर कहाँ जाएंगे? सब भूखे मरेंगे। वाजिब आपने सवाल उठाया, और ये बुलडोजर अब यहाँ से हट चुका है शायद, और मुझे लगता है मीडिया का मजमा जो दिख रहा था वो भी शायद यहाँ कुछ कम हुआ है। लेकिन आपने यूट्यूब में बहुत पाबंदी से देखा, बहुत शुक्रिया। अब जरा इधर हम चलते हैं।